हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ पेस एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैट DILR प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट वन, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कैट 2018 का ATM मनी विड्रावल क्वेश्चन। अब जो इस क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो इस क्लास का, इस लेसन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लास का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं, ताकि आप फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको खुद सोल्व कर पाएं। तो सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना नहीं, उसको कैसे अप्रोच से सोल्व करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैट 2018 का क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ATM मशीन है, वो 5000 पे एग्जैक्टली निकालती है पर विड्रॉवल। एक विड्रॉवल में हर बंदे को 5000 पे ही बाहर आएंगे। कितने कितने के नोट है करेंसी वाले, जिस 100, 200 एंड 500, 500, 200, 100 वाले नोट है। ATM रिक्वायर एवरी कस्टमर टू गिव हर प्रेफरेंस फॉर वन ऑफ द थ्री डिनोमिनेशन ऑफ नोट। मतलब कि हर कस्टमर को अपनी प्रेफरेंस देनी है कि 500 का नोट उसकी प्रेफरेंस है या 200 का है या 100 का है। नेक्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट देन डिस्पेंसेस नोट्स सच दैट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कस्टमर प्रेफर्ड डिनोमिनेशन। जो प्रेफर्ड डिनोमिनेशन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रेफर्ड डिनोमिनेशन के नोट होंगे वो ज्यादा होंगे टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन। तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना DILR में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो भी आपकी प्रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी प्रेफरेंस 500 का नोट है, तो मेरी प्रेफरेंस अगर 500 का नोट है तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 500, 500 के नोट डेफिनेटली ज्यादा आएंगे 100 के नोट प्लस 200 के नोट। नंबर ऑफ नोट्स की बात करें, कितने कागज के टुकड़े, तो 500 के जो कागज के टुकड़े होंगे नंबर ऑफ नोट्स वो ज्यादा होंगे अगर मेरी प्रेफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू 100 और 200 मिला के। इन दोनों के कागज के टुकड़े मिला के जितने होंगे उससे ज्यादा 500 के नोट निकलेंगे। वैल्यू की बात नहीं, नंबर ऑफ नोट्स की बात है। अगर मैं, मेरी प्रेफरेंस 200 रुपये होगी, तो नंबर ऑफ जो 200 रुपये के नोट होंगे वो ज्यादा होंगे टोटल 500 के जितने नोट है प्लस टोटल 100 के जितने नोट है। इसी तरह से अगर मेरी प्रेफरेंस 100 होगी तो 100 वाले नोट ज्यादा निकलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा समराइज कर लेते हैं माइंड में कि टोटल 5000 रुपये निकलेंगे, 100 के नोट, 200 के नोट और 500 के नोट है। जो भी प्रेफरेंस डालोगे उस प्रेफरेंस के नोट बाकी दोनों नोट से ज्यादा होंगे मिला के। ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली डेटा, बेसिक डेटा गिवन है। अब क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो बता देता हूं। इसमें जो बच्चे एरर करते हैं, सबसे पहले बच्चे फटाफट क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करोगे DILR में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन गलत करोगे। डेटा को पहले अच्छे से समझिए, उसको माइंड में बिठाइए, फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करिए। बिकॉज DILR थोड़ा सा मुश्किल सेक्शन होता है, तो आप जैसे 32 क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर आप 15-16 भी क्वेश्चन अच्छे करेक्ट कर दोगे तो आपका 95%+ डेफिनेटली आएगा एज पर द लास्ट 3 ईयर्स पैटर्न ऑफ कैट। सो पहला काम होता है डेटा को अच्छे से पढ़ना। अब हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ATM सर्व ए कस्टमर वो गिव्स रुपीज फाइव गिव्स 500 रुपीज एज ए प्रेफरेंस। तो जो कस्टमर की प्रेफरेंस है वो 500 रुपए का नोट है, तो 500 वाले, 2 वाले, 200 वाले और 100 वाले, तो 500 प्रेफरेंस है तो 500 का नोट ज्यादा निकलेगा टोटल 5000 रुपए। सबसे मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपकी 500 प्रेफरेंस है तो अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोच भी लर्न करना सीख लीजिए कैसे होता है। तो मेरी को 500 की प्रेफरेंस है तो 500 के नोट ज्यादा निकलने चाहिए। सो मैं चाहूंगा कि सारे ही 500 के निकले, एक बार 10 नोट 500 के निकले, टोटल 5000 रुपये हो गए। ये जीरो, ये जीरो, ये केस हो गया। अच्छा, अब रैंडमली नहीं करना है। कैट में बच्चे जो एरर करते हैं रैंडमली बीच में कुछ 6 ले लेंगे, नहीं, सबसे मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम 500 को क्यों लिया है, क्योंकि प्रेफरेंस ही 500 की है, तो 500 की प्रेफरेंस ज्यादा 500 के नोट ही आने चाहिए। तो मैंने 10 के 10 500 की प्रेफरेंस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ATM मशीन में 10 500 के 500 के बाहर निकाले। ओवियसली मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से वो ठीक है, नंबर ऑफ 500 के नोट ज्यादा है। अच्छा, अब 9 की बात कर लेते हैं। अगर 500 के 9 नोट हो गए टोटल कितने पैसे हो गए, 4500 रुपये। अब 500 रुपये मुझे 200 और 100 से भी चाहिए, तो कैसे कैसे हो सकता है, इसको भी पैटर्न से करेंगे। 200 वाले 0 होंगे तो 100 वाले 5 निकल आएंगे, ये भी केस वैलिड है, क्योंकि टोटल 500 वाले नोट 9 है, ये टोटल मिला के 5 है, सारी क्राइटेरिया फिलफुल है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि 200 वाला एक नोट आ जाए, तो फिर ये बाकी कितने हो जाएंगे, 100 के 3 निकालने पड़ेंगे। अगर 200 के 2 नोट आ जाएंगे तो हमारे पास कितना है, 100 का 1 नोट निकलेगा। इसी 3 केस बन सकते हैं।
अगर हमारे पास 500 के नोट आएंगे। अब बच्चे पूछेंगे इसका कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं होता ऐसे क्वेश्चन को, बस इसी प्रोसेस को जल्दी कर लोगे तो शॉर्टकट आएगा, बाकी इस क्वेश्चन का कोई ऐसे फॉर्मूला शॉर्टकट नहीं है और ना ही कभी होगा, आप उस चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल सिंपल। अगर ये क्वेश्चन 2-3 मिनट में 4 मिनट में हो जाएगा वेल एंड गुड, आप डेफिनेटली 95+ स्कोर कर लेंगे DILR में। इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे तो आराम, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो 9 नोट होंगे तो इस तरह से। अब सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ नोट जो होना चाहिए, क्योंकि हमारी 500 प्रेफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो 500 के नोट होने चाहिए, जो 500 के नोट होने चाहिए, नंबर ऑफ 500 के जो नोट होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए 100 वाले नोट प्लस 200 वाले नोट से। अभी तक तो ये सब कुछ वैलिड है, चलिए अब चलते हैं। मान लो कि हम लेते हैं 8 नोट लेते हैं, मैं दूसरे कलर में कर लेता हूँ कि 500 के, चलो 8 नोट लेके देखते हैं कितने हो गए हमारे पास। 500 के 8 नोट लेंगे तो हमारे पास हो गए 4000 रुपये। अभी 1000 रुपये और बनाने हैं, 1000 रुपये में क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये एक बार पूरे केस बनाऊँ तो फिर उसको रिजेक्ट कर लूँगा, मतलब 200 का कोई ना ले, 10 वाले हम कितने ले लें, 10 लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें 1000 रुपये बनाने हैं, या फिर 200 का एक नोट लोगे तो 800 रुपये के लिए 8 नोट चाहिए होंगे, अगर 10 वाले 200 वाले दो लोगे 400 रुपये तो 600 रुपये 100 के नोट से 6 नोट चाहिए, अगर हमारे पास 3 नोट हो जाएंगे तो बेसिकली कितने हो जाएंगे 600, ये 4 चाहिए। और सिमिलरली अगर हम देखें तो एक केस और बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 8 वाले में ही काउंट कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसके इधर बना देता हूँ 500, 200 और 100, ठीक है। अगर 500 के हमने 8 नोट ले रखे हैं तो इधर से 4 लेंगे तो 200 रुपये इधर से बनाने पड़ेंगे, या इधर से कितने ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, और इधर से कितने नो हमारे हो जाएंगे बेसिकली 0 हो जाएंगे। अब देखो जो कंडीशन थी वो कंडीशन ध्यान से देखना कि 500 के नोट ज़्यादा होने चाहिए 100 और 200 के मिला के, तो इसमें 8 नोट है 500 के, बट इसमें तो 0 और 10 हो गए तो ये केस इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 500 के नोट तो सिर्फ 8 हैं और 100 और 200 के मिला के 10 हैं, वो तो नहीं चलेंगे। इसमें 100 और 200 के मिला के 9 नोट है, ये भी नहीं चलेंगे। 6 और 2 8 है, ये भी नहीं चलेंगे, ज़्यादा होने चाहिए, ये चलेगा। 500 के नोट 8 हैं और 100 और 200 के मिला के 3+4 7 है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो कितने केस हो गए हमारे पास अभी तक, हमारे पास अभी तक कितने हो गए, 1, 2, 3 ये 4, 5, 6, 7 केसेस हो गए हमारे पास। अच्छा, हम कोई और केस लेके देखते हैं, क्या और कुछ वैलिड होगा कि अगर हम 500 के 7 नोट ले तो क्या वैलिड होगा। 500 के 7 नोट लेते हो कितने हो गए 3500 रुपये, 1500 रुपये बनाओगे ज़्यादा ज़्यादा। अगर हम 200 के वाले भी ज़्यादा ज़्यादा नोट लें, 7 नोट ले सकते हैं 1400 और एक 1500, अभी भी नहीं बनेगा, केस इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 500 के 2 7 नोट हैं और 200 के 8 हैं, ये नहीं बनेगा। अच्छा, और कम करोगे और दिक्कत आ जाएगी, 200 वाले 6 लोगे 1200, फिर 300 लेने में 9 नोट हो जाएंगे, ये भी इनवैलिड होगा। तो आगे कोई भी केस बनाओगे, अगर 5 लेंगे तो 1000 ये 5 और भी बड़ा हो जाएगा, तो और बड़ा होता जाएगा, तो कोई भी केस वैलिड नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यही 7 केस वैलिड आएंगे। तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन था, सो आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी 7 ways। आपको सिंपली टाइप करना था 7 ways से हम जो है वो 500 के नोट अगर प्रेफरेंस में डालेंगे तो ATM मशीन 7 तरीके से 5000 रुपये आपको विड्रॉवल के लिए दे सकती है। ऐसे एक्सीलेंट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन एक्सीलेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये बेसिकली कैट में क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हर बच्चे को सिंपल एक केस बना के सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड है प्रैक्टिस तो 2-3-4 मिनट में आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकते हैं। आई थिंक आपको सबको समझ में आया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था इसके अंदर कि अगर इफ द ATM जो सिर्फ 10 कस्टमर को ही सर्व कर सकता है विदेश स्टोर को 5500 नोट, तो 500 के जो नंबर ऑफ नोट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 500 के, नंबर ऑफ नोट्स जो 500 के वो कितने हमारे पास 50 हैं, और 10 कस्टमर हमारे पास टोटल हैं, मैक्सिमम हम 10 कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि हमारे पास क्या कह रहे कि एजिस ओनली 10 कस्टमर, ठीक है, हमारे को मैक्सिमम सर्व करने हैं, स्टॉक ऑफ 5500 हमारे पास नोट्स हैं, एंड ए सफिशेंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन, मतलब कि 100 वाले 200 वाले बहुत सारे हैं, वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अमंग दीज, इन 10 में से, सारे के सारे नहीं, इन 10 में से कितने मैक्सिमम कस्टमर हैं जो कि 500 का नोट का प्रेफरेंस देंगे, जिनको हम सर्व कर सकते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सर्व करना है। तो पहले वही टास्क, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन बच्चे एरर करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे एरर डेफिनेटली होगा, तो फटाफट नहीं पढ़ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्या है हमें कि मैक्सिमम कस्टमर को सर्व करना है,
अब मुझे कॉमन सेंस ये सोच के बताना, अपने आप खुद भी सोच लेना घर पे बैठ के, कि मैक्सिमम कस्टमर तो एक कस्टमर को ज़्यादा नोट देंगे या कम देंगे? अगर हम थोड़े थोड़े नोट हर किसी को देंगे तो हम ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं, तो हमें थोड़े थोड़े नोट देने। जैसे कि एग्जाम्पल से देते हैं, अगर मान लो कि मैं ये वाला चूज़ करता हूँ 500, ये सारे 500 के प्रेफरेंस वाले हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में एक और खास बात होगी जो पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड हो गया, पिछले क्वेश्चन वाले केस आपके काम आ जाएंगे, उसमें भी 500 का नोट प्रेफरेंस में था। तो 500 का नोट प्रेफरेंस में अगर ये वाला केस बनेंगे तो हम कितने कस्टमर को सर्व कर पाएंगे? सिर्फ 5 कस्टमर को सर्व कर पाएंगे, क्योंकि एक कस्टमर 10 नोट लेके जाएगा। भाई एक कस्टमर को 10 नोट मिलेंगे तो 5 ही कस्टमर को 50 नोट पूरे हो जाएंगे, तो हम 5 कस्टमर को ही सर्व कर पाएंगे। अच्छा, इस वाले में अगर 9 नोट दे रहे हैं 500 के, तो भी 6 कस्टमर ही 5 ही कस्टमर को हम सर्व कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी को 5 5 9 9 नोट दोगे तो 5 कस्टमर को ही 45 नोट दे पाओगे, बाकी 5 फिर एक्स बच जाएंगे मशीन में। बट अगर यहां से देखें, अगर हम एक कस्टमर को 8 नोट देते हैं तो हम 6 कस्टमर को सर्व कर पाएंगे, क्योंकि 48 नोट्स कंज्यूम हो जाएंगे ना। एक कस्टमर को 8 8 8 देंगे, दूसरे को भी 8, तीसरे को भी 8, तो 6 कस्टमर को 48 नोट दे देंगे हम, और उससे हमारा काम चल जाएगा। तो मैक्सिमम 6 कस्टमर को हम सर्व कर सकते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन के केस बना लिए, ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में आराम से सोल्व कर सकते थे, सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना था। आई थिंक सबको क्लियर है, एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, अच्छा मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, तो जो बच्चे मुझसे अनअकैडमी पढ़ने जाते हैं, मैं पहले उनको बता दूँ कि जो मेरी क्लासेस होती है वो 8:30 से 10 होंगी मंडे टू फ्राइडे। ये क्वांट की क्लास होती है 1.5 घंटा मंडे टू फ्राइडे, और सुबह 7 से 8 DILR की क्लास होगी, और जो स्पेशल क्लासेस भी होती है इसमें कुछ फ्री, जो बच्चे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, वो सैटरडे संडे 1 PM एंड 4 PM होगी। और अगर आप सीधा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड को अप्लाई करके अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी में पूरे डिटेल में, जैसे मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ही पूरा का पूरा सिलेबस लाइव होगा, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और 2-3 बार सिलेबस को अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से कैट जैट IFT स्नैप सारे MBA एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो दिस इज माई नंबर 8800282940, ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप इस नंबर पे कर दीजिए, और फिर मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे ये क्लासेस को अटेंड करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हमारा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर, नया क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर दैट द ATM कंसर्व विद अ स्टॉक ऑफ 5500 नोट। अभी भी हमारे पास 500 के नोट कितने हैं, 500 के नोट हमारे पास कितने हैं, 50 हैं। कितने मैक्सिमम कस्टमर को सर्व करना है, अगेन वही चीज़ है, मैक्सिमम कस्टमर हमें सर्व करने हैं। अब क्या कंडीशन है, हमारे पास 500 के नोट तो 50 है, 200 300 200 100 वाले बहुत सारे हैं। कह रहे हैं ऑल द कस्टमर आर टू बी सर्व विद एट मोस्ट 20 नोट्स, मतलब कि मैक्सिमम जो नोट होंगे वो हर कस्टमर को कितने देने, 20 नोट हमने देने हैं। पहले आप करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, अपने आप खुद सोल्व करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, फिर देखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, क्योंकि आपको भी सीखना है। तो पहले पॉज करिए वीडियो को, फिर देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। अगेन क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है, हमें मैक्सिमम कस्टमर को सर्व करने हैं और हमारे पास 500 के नोट सिर्फ 50 है, तो हम हर कस्टमर को थोड़े थोड़े नोट देंगे। हर कस्टमर को जो भी कस्टमर आएगा उसको मिनिमम 500 के नोट देने की कोशिश करेंगे, थोड़े थोड़े मिनिमम 500 के नोट देने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर्व कर पाएँ। इसमें 10 कस्टमर भी मैक्सिमम नहीं, इसमें कितने भी दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर मान लो एक एक नोट देंगे, हर कस्टमर को एक एक नोट देंगे, तो 50 कस्टमर को सर्व कर सकते हैं ना। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने कम से कम 500 के नोट हो उतने दें। इसमें कोई प्रेफरेंस भी नहीं गिवन है, इसमें प्रेफरेंस भी 500 का नहीं है, आप कोई भी नोट का प्रेफरेंस रख सकते हो, 200 का रख सकते हो, 100 का रख सकते हो। तो बट मैक्सिमम नोट होंगे वो कितने होंगे, हमारे पास 20 होने चाहिए, 20 मैक्सिमम नोट होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो होने चाहिए वो 20 होने चाहिए। तो मैं 500 के कम से कम कोशिश करूंगा। अब देखिए अप्रोच कैसे करेंगे, बिल्कुल अप्रोच पर मेन है कि 500 के कम से कम रखने हैं, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस 500 नहीं है, प्रेफरेंस इसमें 500 नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ नोट 500 के 50 के बने। चलो मैं सोचता हूँ कि मैं 0 रख दूँ, 500 के नोट को 0 रख देता हूँ। तो अभी 200 के मुझे कितने चाहिए नोट, 5000 रुपये निकालने हैं, 25 नोट चाहिए ना, 200 200 वाले ज़्यादा रहेंगे ताकि कम नोट यूज़ हों, तो निकालने तो 5000 रुपये ना, ATM फिक्स पैसा निकालती है 5000 रुपये, तो आपको 25 नोट 200 200 के चाहिए।
आप बोलोगे 100 वाले क्यों नहीं लिए, अरे 100 वाले करेंगे तो और भी ज्यादा नोट हो जाएंगे, अगर हम 100 वाले लेंगे तो 50, तो 100 वाले हम कम से कम लेंगे, हम 200 वाले ज्यादा ज्यादा नोट लेने की कोशिश करेंगे। तो 500 के बेसिकली हमारे पास जीरो तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, जीरो इज नॉट पॉसिबल, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा 500 का एक नोट रखे तो की बात बन जाएगी, 500 रुपये रखे 4500 रुपये, तो 22 नोट, 22 दूनी 4400, और 100 एक नोट ये देना पड़ेगा, ये भी कामयाब नहीं है, टोटल नोट 20 से ज़्यादा हो गए। अच्छा अगर हम दो नोट रखें 1000 रुपये, तो ये हम 20 रख सकते हैं, तो ये जीरो रख सकते हैं, कितने हो गए 20, 4000 और 5000, ये भी 22 नोट हो गए, ये भी क्योंकि मैक्सिमम 20 नोट आने। चलो आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर हम 500 के तीन नोट रख लें तो 1500 रुपये हो गए। अब 18 नोट नहीं रख सकते, 17 नोट इसके रख सकते हैं, 3400 और 4900, और 100 का रखना पड़ेगा, अभी भी टोटल नोट्स 21 बने, नई बात बनेगी। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम लेट से अगर हम 500 के चार नोट की बात करें, चार नोट लेते हैं तो 2000 रुपये हो गए, 2000 रुपये भी फिर 15 दूनी 3000, ये ज़ीरो, ये तो सही लग रहा है, अरे टोटल नोट्स तो इसमें 19 हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इसको, वो तो बहुत सारे मल्टीपल केस बन सकते हैं, अगर हम इसको 14 लेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा 2800, और ये 200 3000, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसमें भी टोटल नोट मैक्सिमम 20, ये भी वैलिड है, बट मेन बात है कि 500 कितने नोट यूज़ हो रहे हैं, 500 के कितने नोट यूज़ हो रहे हैं, तो मिनिमम आप चार नोट तो निकालने पड़ेंगे मशीन को 500 वाले, ताकि टोटल मैक्सिमम नोट 20 हो। तो चार नोट अगर एक कस्टमर को मिलेंगे तो 50 नोट है ना हमारे पास, कितने सर वो मैक्सिमम कर सकते हैं हम, तो 4 × 13 कस्टमर तो नहीं कर सकते, 52 नोट की जरूरत होगी, तो 100 × कितने नोट मैक्सिमम, ऑप्शन भी देख सकते हो, ऑप्शन दे 16 13 10 और 12, तो मैक्सिमम एक कस्टमर को हम कितना सर्व कर सकते हैं, 12 कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। एक कस्टमर को चार नोट देंगे तो 12 कस्टमर को 48 नोट हमें देने पड़ेंगे। देखिए कितना सिंपल लॉजिकल से, कैट के डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, अगेन आई हैव एक्सप्लेन इन सिंपलेस्ट लॉजिकल वे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये सेट का लास्ट क्वेश्चन था, कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स, कितने 500 के नोट चाहिए, 50 कस्टमर को जिनकी 500 रुपये नोट की प्रेफरेंस है, 50 कस्टमर ऐसे हैं, 50 कस्टमर सी लिख दो, 50 कस्टमर ऐसे हैं जिनकी प्रेफरेंस, पी मीन्स प्रेफरेंस 500 का नोट है, और 50 कस्टमर ऐसे हैं, 50 कस्टमर ऐसे हैं जिनकी प्रेफरेंस 100 का नोट है। तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ 500 के नोट, कह रहा है कितने नंबर ऑफ 500 के नोट रिक्वायर हो, एन 500 कितने 500 के नोट रिक्वायर होंगे ऐसा करने के लिए, बट कंडीशन भी है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू बी डिस्पेंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। जो नंबर ऑफ नोट्स होंगे, नंबर ऑफ नोट करेंसी जो कागज के टुकड़े होंगे, नंबर ऑफ नोट्स दैट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे मिनिमम होने चाहिए। तो ये हमारे को कंडीशन गिवन है, तो हमें मतलब कि नंबर ऑफ नोट, टोटल नोट्स जो करेंसी के बाहर आएंगे कम से कम रखने हैं। अब देखिए पहले मैं 500 के प्रेफरेंस वाला डिस्कस करता हूँ, हाँ जी 500 के नोट, ये हमारे 200 के नोट और ये हमारे 100 के नोट, ठीक है। तो 500 का नोट अगर प्रेफरेंस है ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, 500 का नोट अगर प्रेफरेंस है तो सारे के सारे 500 के निकाल लूंगा मैं, क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स तो हमें मुझे मिनिमम चाहिए। आप बोलोगे नो क्यों रखते, अरे नो नोट लेंगे 500 के तो 200 के दो लेंगे और इसको एक लेंगे तो टोटल नोट तो कितने हो जाएंगे, 9 2 11 और 12 नोट हो जाएंगे इसमें, इसमें तो 12 नोट हो जाएंगे, और इसमें सिर्फ 10 ही नोट यूज़ करें तो टोटल नोट तो इसमें कम निकल रहे हैं ना, तो यही लेंगे। और कोई छोटा लोगे जैसे 9 इसको लोगे 1 और ये 3 हो जाएगा, तो इसमें तो 2 3 12 इसमें 13 नोट हो, तो ज़्यादा नोट यूज़ होंगे, हमें टोटल नोट कम चाहिए, टोटल कागज़ के टुकड़े कम चाहिए, तो 10 10 नोट में ही काम चल जाएगा ऊपर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो कैन आई से दैट जो मेरा 500 के नोट प्रेफरेंस वाला, वो तो एक ही केस बनेगा, सिंपल एक ही इसमें बेस्ट इजी केस बनेगा, तो 10 नोट बेसिकली इसमें टोटल नोट कितने यूज होंगे वो भी देख लेते हैं हम, तो हमारे पास ये वाला यूज हो जाएगा। अगर हम प्रेफरेंस 500 का नोट देंगे, जो भी 500 का नोट 10 नोट निकलेंगे, तो अगर 50 कस्टमर को सर्व करना है, 50 कस्टमर को सर्व करना है तो कितने नोट्स यूज होंगे, 500 नोट यूज होंगे, 500 नोट यूज होंगे, 500 नोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स होंगे 500 कागज के टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि 50 कस्टमर को सर्व है ना, एक कस्टमर को 10 दोगे, 50 को 50 × 10 500 नोट देने पड़ेंगे, 500 का नोट नहीं, 500 नंबर ऑफ कागज के टुकड़े। चलिए आगे बढ़ते, अब कह रहे हैं 100 का प्रेफरेंस है, अब 100 का प्रेफरेंस है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी हमें कम से कम चाहिए।
अगर हमें ये ना होता कि कम से कम नोट, तो हम सीधे सीधे 500 नोट यही निकाल देते, 50 नोट हो गए 50,000, ठीक है 5,000 पे, बट ऐसा नहीं कर सकते, हमें टोटल नोट कम से कम चाहिए, टोटल करेंसी नोट हमें चाहिए कम से कम। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। चलिए अब मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि 100 प्रेफरेंस है तो 100 ही ज़्यादा होने चाहिए, तो मैं 200 वाले तो ऑटोमेटिकली 0 ही रखने की कोशिश करूँगा, 2 वाले कम कितने कम से कम हो, 0 हो, 1 वाला 2 हो। अच्छा अगर मैं 500 के अगर मान लो कि लेट से अगर हम, बट ये 100 का प्रेफरेंस का मतलब है ना कि 100 के नोट ज़्यादा होने चाहिए। चलो एक बार हम रेंडमली 10 लेके चलते हैं, अगर 100 के नोट 10 लेंगे तो कितने हो गए हमारे पास, 1,000 रुपये हो गए, 500 से 4,000 रुपये बनाने, ये 8 नोट हो गए, तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है बाई चांस तुक्के से, क्योंकि 10 रेंडमली आपको अंदाजा तो लगाना ही पड़ेगा कि 100 वाले ज़्यादा होने चाहिए ना, क्योंकि प्रेफरेंस 100 की है, 100 की प्रेफरेंस में 100 वाले ज़्यादा होने चाहिए, 100 के 10 नोट लोगे, अच्छा 100 के थोड़ा नौ नोट लेके चलते हैं, 900 रुपये हो गए, अब इसके 8 तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तो भी आपके पूरे पैसे नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि 9 से हमारा कितना हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा हमारे पास 900 और ये 4,049, कोई केस नहीं बनेगा इसमें। अच्छा अगर हम 8 लेंगे तो वैसे ही नहीं बनेगा, 8 इसके लेंगे 800 रुपये, तो ये कोई केस नहीं बनेगा, वही केस सही था, और ज़्यादा नोट इसमें बन जाएंगे तो हमारे पास ये ठीक बन रहा है। 10 अगर हम बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो कम से कम नोट रखने, अगर हम 100-100 के 11 रखेंगे तो फिर ये 8 रखेंगे 7 रखेंगे मान लो, तो 1,100 3,500 और 1,100 हमारे पास कितना 4,600, 2 ये भी चाहिए होंगे, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 11 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें टोटल नोट्स कम से कम चाहिए, तो इस केस को मैं हटा देता हूँ। तो यही केस चलेगा, इसमें कितने नोट होंगे हमारे पास, इसमें कितने नोट होंगे, टोटल 18, बट 500-500 के 8 यूज़ हो रहे हैं, 50 कस्टमर के लिए कितने हो जाएंगे, 50 कस्टमर के लिए 400 नोट की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल 500 और 400 900 नोट चाहिए 500-500 वाले, सो आंसर आएगा 900। तो दैट वाज वेरी एक्सीलेंट कैट क्वेश्चन, हमने बहुत ही सिंपल लॉजिकल तरीके से बिना किसी फॉर्मूलाज के बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मैंने आपको बताया, और मैंने आपको जो मेरी क्लासेस के बारे में बताया था उसके बारे में आप इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में जरूर कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो भी आपका कमेंट होगा वो मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, कोई भी आपको उसमें कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन मैं दूंगा आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।